हे गाइज ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाएंगे, वो भी पिक्सा टाइप का यूज करके। गाइज इस वीडियो में हमने आपको पूरे कलर ग्रेडिंग भी सिखाया, मतलब आपको डार्क सा कलर टोन डालना सिखाया, साथ ही साथ ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट भी, एंड बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो कितना ब्लर है। तो काफ़ी आसान है ऐसे एडिटिंग करना, इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखिएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं, एंड गाइज हमने यहाँ पे गैलरी के अंदर से इस फोटो को ओपन कर लिया है। अब गाइज आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस फोटो को सेंड पे क्लिक कर देना है, देन इस फोटो को आपको ओपन कर लेना होगा पिक्सा टाइप के अंदर, ठीक है। तो गाइज मैं इस फोटो को पिक्सा टाइप के अंदर ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पिक्सा टाइप के अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको रीसाइज पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको अपनी फोटो को रीसाइज कर लेना होगा। जैसे कि ये 2160 है, तो इस फोटो को तो ऑलरेडी ये फोटो रीसाइज है, ठीक है। तो अगर आपका रीसाइज ना हो तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो 6000, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, अमाउंट बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 6000 हमने डाल दिया, देन यहाँ पे बोल रहा है 2590 डालने के लिए, ठीक है। तो 2590 हम इसकी विड्थ डाल देंगे, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाइट एंड विड्थ जो है सबसे हाई क्वालिटी का हो गया, ठीक है। इससे आपकी फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो गाइज ये आपको कर लेना है। इतना हो जाने के बाद गाइज अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा जो है कम करना है, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है लगभग इतना, एंड यहाँ पे गाइज आपको क्लैरिटी को भी बढ़ा देना है, ठीक है। क्लैरिटी बढ़ाने के बाद हाईलाइट्स को थोड़ा सा जो है कम करेंगे, एंड यहाँ पे शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लगभग इतना, देन गाइज आपको इतना काम कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली डन कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइज अब आपको यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, मतलब एक इफेक्ट्स का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा। आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे जाना होगा कलर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं, ये लास्ट में नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कलर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर स्प्लैश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद ये आपको देख पा रहे हो कि एक ब्लैक कलर का, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, ये आपको अपनी फेस के किसी एक जगह पर रख देना है, देन यहाँ पे आपको ऊपर मीन ह्यू मिलेगा, तो आपको यहाँ से मीन ह्यू को पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है। अब आपको एक मैक्स ह्यू भी मिलेगा, तो मैक्स ह्यू को थोड़ा सा जो है कम करना है, तो इसे मैं 23 कर देता हूँ। देख पा रहे होगा इसकी 23 जैसे हमने किया, मतलब पूरा जो है ब्लैक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और कम कर देता हूँ लगभग इतना, 21 आपको कर देना है, देन यहाँ पे आपको सिंपली डन कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे गाइस कि बैकग्राउंड जो है पूरा डार्क हो गया है। अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है आपको एडजस्ट में, देन यहाँ पे आपको सिचुएशन को सिंपली कम कर देना है लगभग इतना, एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, मतलब ज़्यादा नहीं, 2%, एंड यहाँ पे आपको इरेजर पे क्लिक करना है, यहाँ आपको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इन्वर्ट कर देने के बाद रीस्टोर को सिलेक्ट करना है, एंड अपनी फ़ोटो को जूम करना है, एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपनी सिर्फ फेस पे चलाना है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आपका फेस जो है वाइट हो जाएगा, तो आपको अपनी फेस पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना होगा। तो हमने ओवरऑल पूरे फेस पे चला दिया, एंड यहाँ पे आपको हैंड पे भी चला लेना है, एंड अभी आप देख पा रहे हो गाइज कि हमारा फेस जो है पहले से वाइट हो गया है। अब आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है, थोड़ा सा सैचुरेशन को और लगभग यहाँ पे इतना मैं रखता हूँ, इतना सही है, देन यहाँ पे आपको सिंपली डन कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइज अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फोटो में आपको ब्लर का एक इफेक्ट डालना है, जो कि आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, देन यहाँ पे आपको ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ ब्लर पे हम क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे आपको एक इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इरेजर पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक से ही आपके पूरे बैकग्राउंड में ये इफेक्ट डल जाएगा, एंड आपका देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी फेड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे लगभग इतना, एंड अभी आप देख पा रहे हो कि कितना मस्त जो है यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर भी हो गया, एंड आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड में डार्क सा कलर टोन भी आ गया। अब इस फोटो को गाइज सिंपली हम शेयर करके ओपन कर लेंगे, मतलब यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे, एंड यहाँ पे गाइज आपको चाहो तो आप ऑयल पेंट का इफेक्ट यहाँ से भी दे सकते हो, मैंने बहुत बार टूलविड्स में आपको सिखाया है, लेकिन आज इसमें ही सिखा देता हूँ आपको। गाइज यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे गाइज आपको आर्टिस्टिक पे जाना है, यहाँ आपको एक ऑयल पेंटिंग का इफेक्ट मिलेगा, देख पा रहे हो ऑयल पेंटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको इरेजर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना है, या फिर आप हेयर का एक ऑप्शन है, हेयर पे आपको क्लिक कर देना है,
जैसे आप हेयर पे क्लिक करोगे ये वाला इफेक्ट आपके पूरे हेयर पे ऑटोमेटिक से ही लग जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ये पूरा इफेक्ट हेयर पे लग गया। इरेजर पे क्लिक करना है एंड आप चाहो तो साइड से इरेज कर सकते हो ताकि ज़्यादा मतलब ख़राब ना लगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसके ओवरऑल हेयर में आप देख पा रहे हो कि ऑयल पेंट का इफेक्ट आ गया है। देन यहाँ पे इसकी अमाउंट आप सेट कर सकते हो लगभग इतना, मैं इसको 35 रखता हूँ। देन यहाँ से आपको डन कर देना है। अभी आप देख पा रहे हो गाइस फोटो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी मस्त यहाँ पे एडिट हो गया है गाइस। अब इस फोटो को गाइस हम सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर जाकर सेव कर लेंगे। सेव करना काफ़ी आसान है। एंड गाइस फेस कैसे स्मूथ किया जाता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप देख कर सीख सकते हो कि फेस कैसे स्मूथ करना है, काफ़ी आसान है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे भी तगड़ा वाला एडिटिंग सिखाएंगे। अगर आप लाइटरूम में सीखना चाहते हो तो कमेंट करना, पिक्सआर्ट में तो कमेंट करना, एंड स्नैपसीड में जो चीज़ में आप सीखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब गाइस इस 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे। ये फोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑन कर लीजिए। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।